इधर नोएडा में भी आज से कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी मॉल्स और रेस्तरां खुल गए हैं। सुबह 10 बजे से मॉल्स खुल गए हैं। यहाँ के जीआईपी मॉल में हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने स्थितियों का जायजा लिया। आप लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर रहे हैं और खास तौर से अगर बात की जाए तो सख्त हिदायत दी गई है कि हर मॉल में कोविड डेस्क होगी, तो वो कोविड डेस्क कैसे संचालित होगी, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ रहे, सबसे पहले मास्क दिख रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं, उसके बाद हम ऑक्सीमीटर भी लेके आए हैं। जिस भी गेस्ट का कोई भी टेम्परेचर 99 से ऊपर है हम उनको थोड़ा वेट करने के लिए बोलेंगे कि सर आप थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद दोबारा उनका टेम्परेचर चेक होगा, अगर फिर भी आपका 900 से ऊपर है तो हम उनको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, सैनिटाइज के लिए जितने भी गेस्ट हैं मास्क के लिए साफ तौर पर बोल दिया है कि हर गेस्ट जो है मास्क पहन के आएगा, चाहे वो स्टाफ भी हो, सबको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। यानी कुल मिला के जो तैयारी है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सभी गार्ड को ग्लव्स दिए गए हैं ताकि वो दस्ताने पहन के ही अपनी ड्यूटी पर खड़े हों। और देखिए कि किस तरीके से उन्हें बताया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का उन्हें पालन कराना, साथ ही आप देखिए कि सामने सैनिटाइज भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो महामारी है उसका जो प्रकोप है वो खत्म हो सके और सामान्य तौर से जो कस्टमर हैं वो मॉल में घूम सकें, मॉल में खरीदारी कर सकें और इस महामारी को ध्यान में रखते हुए जो मॉल प्रशासन है वो भी पूरी तरह से सतर्क है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। बड़ी खबर है, देश में लगातार घट रहे कोरोना के नए आंकड़े। पिछले 24 घंटों में 53,256 नए मामले सामने आए, पिछले 88 दिनों में एक दिन में आए ये सबसे कम नए मामले। एक दिन में 78,190 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 1,422 लोगों की कोरोना के चलते पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। नए मामले 53,256, नई मौतें 1,422, 78,190 लोग रिकवर इन्हीं 24 घंटों में और पिछले 88 दिनों में 24 घंटे के दौरान यह सबसे कम आंकड़े कोरोना के। कुल केसेस हुए अब तक भारत में संक्रमित मामले 2,99,35,221, कुल डिस्चार्ज में लोग हैं 2,88,44,199, कुल मौतें भारत में 3,88,135 और कुल एक्टिव केसेस फिलहाल भारत में 7,02,887। इसी बीच में 28 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भारत में हो चुका है। पिछले 24 घंटे का कोरोना मीटर आपकी स्क्रीन पर, नए मामले 53,256, कुल मौतें 1,422, देश का कोरोना मीटर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, 78,190 लोग इन्हीं 24 घंटों में डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक हुए हैं कोरोना से और अब तक देश में 28 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।